इसरो ने आज इतिहास रचते हुए SLV D3 के माध्यम से EOS-8 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने सफल प्रक्षेपण के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल इसरो ने अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV D3 के माध्यम से EOS-8 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को आज लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेगा और मौसम की भी जानकारी देगा। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। EOS-8 सैटेलाइट में तीन खास उपकरण लगे हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये दिन और रात दोनों समय धरती की तस्वीरें ले सकता है। इससे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही दूसरा इसमें उपकरण लगा है वो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड। ये समुद्र की सतह, मिट्टी की नमी और हिमालय के ग्लेशियरों की जानकारी देगा। ये बाढ़ की चेतावनी देने में भी मदद करेगा। और तीसरा उपकरण है सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर। ये इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा, साथ ही ये गामा रेडिएशन का भी पता लगाने में मदद करेगा। थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV D3 विद EOS-08 सैटेलाइट has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect.